जानेंगे और उसको उसको रखो आप अभी और कहीं उसको करना भी मत, हेल्थ के रूप में ही डेवलप करना। जैसे नर्सिंग कॉलेज का कहता हूँ अभी बहुत आर्ताएं अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। 300 बिस्तर का अस्पताल और 25 एकड़ जमीन कटनी में दोनों उपलब्ध है। बाकी ये सब पूरा डिटेल जो पहले का सारी कार्रवाइयाँ उससे संबंधित एक ये माननीय मंत्री जी की ओर से प्रेषित है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद जी, माननीय मंत्री जी का आभार। और जिस दिन सांसद कटनी में सांसद जी का विशेष आभार, विशेष प्रयास है, क्योंकि उन्होंने केंद्रीय मंत्री जी से भी बात की, हर्षवर्धन जी से भी बात, उन्होंने विष्णुदत्त शर्मा जी ने बात की और उनकी तरफ से हमें जब अप्रूवल मिला तभी हमने ये प्रस्ताव दिल्ली भेजा है। और इस पूरे मामले में और गति आ जाए इसका हम प्रयास करेंगे। जैसा मैंने पहले कहा कि मैं इस क्षेत्र के सांसद और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लगातार प्रयास कर कटनी के मेडिकल कॉलेज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। हमारे विधायक जी भी लंबे समय से लगे रहे, 150 बिस्तर से 300 बिस्तर का अस्पताल हो जाए जिससे मेडिकल कॉलेज बनने में और सुविधा हो सके उसके लिए ये लगे रहे। चाहे हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे पूर्व महापौर जी, हमारे पूर्व विधायक जी हो, हमारे लगी हुई विधानसभा के प्रणय जी हो, प्रणय पांडे जी हमारे युवा नेता हैं, ये भी लगे रहे। और 25 एकड़ जमीन उपलब्ध हो गई है। आज हम और आप सब मिलकर जमीन देखने जाएंगे और जमीन की लोकेशन जो मुझे बताई गई है वो बहुत उचित है, क्योंकि शहर से लगी हुई जमीन, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि कटनी को शिवराज सिंह चौहान जी के माध्यम से एक बड़ी सौगात मिल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो विकास और कल्याण में लगातार लगी हुई है। मैं शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत बधाई दूंगा। एक बात मैं और इंगित करना चाहता हूं, 15 महीने की हमने कांग्रेस की सरकार देखी और उस सरकार में चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो कमलनाथ जी, चाहे उनके तथाकथित माननीय मंत्रीगण हो, आप और हम यदि किसी योजना की बात करते थे तो उनके मुंह से, उनके मुखारबिंद से केवल एक लाइन निकलती थी कि खजाना खाली है। अब ऐसा क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। तस्वीर और तकदीर मध्य प्रदेश की बदलने के लिए फिर से शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में, शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल में अभी तक लगभग 82,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश की सरकार किसानों को और मध्य प्रदेश के नागरिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभ दिला चुकी है। अब खजाना कैसे भर गया? सरकार वही है, अधिकारी वही है, प्रशासन वही है,